क्यों कहते हैं ह्यूमस हैव ऑलवेज़ बिन क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड दैम हम हम इंसानों की ये फितरत है कि हम चीज़ों के बारे में क्यूरियस होते हैं यानी हमें ये शौक़ होता है समझने का कि चीज़ें कैसे काम करती हैं हमारे इर्द गिर्द क्या होता है चीज़ें कैसे चलती हैं कौन क्या करता है ये सब कुछ जिसको हम क्यूरियोसिटी कहते हैं ये इंसानी फितरत में है और देखा जाए तो ये होनी भी चाहिए बच्चों आपने भी अपने अंदर ये एक हैबिट डेवलप करनी है कि चीज़ों को बिल्कुल एज़ इट इज़ एक्सेप्ट कर लेना ये जाने बग़ैर कि क्या उनकी इम्पॉटेंस है वो किस हद तक इम्पॉर्टेंट हैं किस हद तक नहीं वो कैसे काम करती हैं डिफरेंट मशीन्स की वर्किंग को समझना ये आदत आप में होनी चाहिए चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करना भी अच्छी आदत नहीं होती क्योंकि इससे अगला बंदा इरीटेट हो जाता है लेकिन इतनी क्वेश्चनिंग करो कि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सको चीज़ों को एज़ इट इज़ एक्सेप्ट कर लेना बग़ैर समझे बग़ैर जाने दिस इज़ नॉट अ गुड हैबिट तो इसीलिए हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड इंसान हमेशा से ही दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं सब अर्ली ट्रेवलर सिंपली वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट द वर्ल्ड अब जो कुछ अर्ली ट्रैवलर्स थे यानी बहुत पहले जो लोग ट्रैवल किया करते थे द सिंपली वॉन्टिड टू नो मोर अबाउट द वर्ल्ड वो सिर्फ दुनिया के बारे में मज़ीद जानना चाहते थे वो ये समझना चाहते थे कि दुनिया कहाँ तक है दुनिया का एंड कहाँ पर है और ऐसी बहुत सी बातें जो वो समझने की कोशिश कर रहे थे द दर्ली ट्रेवलर्स अदर एक्सप्लोर वेंट इन सर्च ऑफ वेल्थ द लुक फॉर लैंड मिनरल्स ऑयल फील्ड स्पाइस एंड अदर रिसोर्स लेकिन ऐसे बहुत से एक्सप्लोरर्स यानी कि जो दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे थे दुनिया के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे उनका मकसद सिर्फ दुनिया घूमना फिरना नहीं था सिर्फ दुनिया को समझना नहीं था बल्कि वो दौलत की तलाश में भी थे इन सर्च ऑफ वेल्थ दौलत दे लुक फॉर लैंड उनकी कोशिश थी कि उन्हें किसी जगह पर अच्छी ज़मीन मिल जाए जहाँ पर वो फ़ायदा उठा सकें मिनरल्स मदनियात ऑयल फील्ड्स कहीं पर उनको तेल के खाइर मिल जाए स्पाइसेस जात एंड अदर रिसोर्सेज और इसके अलावा बाकी रिसोर्सेज जैसे फॉसल फ्यूल्स होते हैं ऑयल कोल नेचुरल गैस और इस तरह बहुत सी चीज़ें जो कि वैल्यूएबल होती हैं जिनको बेच कर पैसा कमाया जा सकता है जिनसे फ़ायदा उठाया जा सकता है तो अर्ली ट्रैवलर्स तो दुनिया में इसलिए ट्रेवल कर रहे थे क्योंकि वो दुनिया को समझना चाहते थे वो देखना चाहते थे पूरी दुनिया लेकिन कुछ लोग इसलिए भी एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि वो इस चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो पैसा कमाना चाहते हैं वो ये देखते हैं कि दुनिया के किस हिस्से में आपको अच्छे रिसोर्स मिल सकते हैं तेल के जखायर मिल सकते हैं मदनियात मिल सकते हैं ताकि वो उस चीज़ से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें मोस्ट इम्पोर्टेंट पीरियड ऑफ एक्सप्लोरेशन इज़ नोन एज़ एज ऑफ डिस्कवरी और जो एक्सप्लोरेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड था जब बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन की गई चीजें जानी गई डिस्कवर की गई उसको हम कहते हैं एज ऑफ डिस्कवरी और ये कौन सा टाइम था इट वॉज द टाइम ऑफ फिफ्टींथ एंड अर्ली अर्लीवनटीन सेंचुरीज ये कौन सी सेंचुरीज थी ड्यूरिंग डिफ्टीन एंड अर्ली अर्लीवनटीन सेंचुरीज एज ऑफ डिस्कवरी हम डिवाइड कर सकते हैं और अर्ली में और ये कौन सी एज थी जब बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज की गई और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन्स की गई पीपल आर स्टिल एक्सप्लोरिंग और ऐसा नहीं है कि आजकल के इंसानों ने एक्सप्लोर करना छोड़ दिया है या हमने सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रही हैं लोग अभी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं जान रहे हैं दुनिया को समझ रहे हैं एंड दिस इज़ एन अनएंडिंग प्रोसेस स्पेस एक्सप्लोरेशन कंटीन्यूज द सर्च फॉर यूज़र्स एंड फॉर अदर प्लान दैट सस्टेन और कुड सस्टेन लाइफ यहाँ तक कि इंसानों ने स्पेस को भी एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है यानि कि ख़ला को स्पेस एक्सप्लोरेशन कंटीन्यूज विद दर्च फॉर यूज़फुल रिसोर्स ये सोचते हुए कि हो सकता है हमें वहाँ पर कुछ यूज़फुल रिसोर्स मिल जाए एंड फॉर अदर प्लान दैट ससटेन और कुड सस्टेन लाइफ या ये भी सोचा जा रहा है कि हो सकता है कुछ ऐसे अदर प्लैनेट्स हों दूसरे हो दैट सस्टेन और सस्टेन, जहाँ पर हमें इस स्यारे की तरह यानी कि जमीन की तरह कुछ इंसान मिल जाए या कोई और मखलूक मिल जाए या हो सकता है कोई स्यारा ऐसा मिल जाए जहाँ पे इंसान जाकर रह सके क्योंकि ऐसा सोचा जा रहा है कि जिस तेज़ी से इंसानी आबादी बढ़ रही है एक टाइम आएगा जब हमारी दुनिया में रहने के लिए जगह ख़त्म हो जाएगी या जा बहुत ही थोड़ी रह जाएगी तो इसलिए इस बात को जहन में रखते हुए जो हमारे साइंसदान हैं वो दूसरे स्यारों को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हो सकता है किसी और सियारे में भी ऐसा एनवायरनमेंट हो कि इंसान वहाँ जाकर सरवाइव कर सके इसीलिए लिए हो रही हैं डिस्कवरीज हो रही हैं बच्चों अबाप की बुक में क्वेश्चन नंबर फाइव है वॉट आर सम ऑफ द समीजन वाई पीपल एक्सप्लोर तो हमने इस पर बात की है कि अर्ली ट्रेवलर इसलिए एक्सप्लोर करते थे क्योंकि वो दुनिया के बारे में जानना चाहते थे और कुछ लोग अब इसलिए एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि वो अमीर होना चाहते हैं दे आर इन सर्च ऑफ वेल्थ इन सर्च ऑफ लैंड मिनरल्स ऑयल फीड्स एंड अदर रिसोर्स अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है अबाउट फेमस एक्सप्लोरर्स एंड नेविगेटर्स तो सबसे पहले बात करते हैं इब्ने बतूता की मोरक्कन स्कॉलर एंड अ ट्रेवलर हु वाज इबन बतूता ही वाज़ अ मोरक्कन स्कॉलर मोरक्को का रहने वाला था एंड अ ट्रेवलर और बहुत ज़्यादा ट्रेवल करता था एक जगह से दूसरी जगह पर नोन एज द ग्रेटेस्ट ट्रेवलर ऑफ फ्री मॉडर्न टाइम्स यहाँ तक कि उसको ग्रेटेस्ट ट्रेवलर कहा जाता है यानी कि एक ऐसा इंसान जिसने बहुत ज़्यादा ट्रेवल किया हो और प्री मॉडर्न टाइम्स यानी कि मॉडर्न टाइम्स के आने से पहले ही वॉज फ्रॉम अ फैमिली ऑफ जजेस वो जिस फैमिली से बिलोंग करता था वहाँ पे बहुत से लोग जज बने हुए थे यानी कि जुडिशरी से बिलोंग करते थे अदालत लॉज इन चीज़ों से बिलोंग करते थे बट he वॉन्टेड टू ट्रेवल एंड स्टडी religion. लेकिन इब्न बतूत ऐसा नहीं करना चाहता था वो जज नहीं बनना चाहता था बल्कि वो ट्रेवलर बनना चाहता था ही wanted टू travel। वो दुनिया घूमना चाहता था जगह जगह फिरना चाहता था एंड स्टडी religion। और वो मज़हब के बारे में पढ़ना चाहता था वो अपनी फैमिली की तरह जुडिशरी की तरफ नहीं जाना चाहता था बल्कि ट्रेवल करना चाहता था मुख्तलफ दुनिया के कोने और रिलीजन के बारे में पढ़ना चाहता था ही various वेरियस and एंड फाइनली in India। वो बहुत सी जगह घूमा लेकिन आखिरकार वो कहाँ आकर रुका इंडिया में ही various वेरियस प्लेसेज जगहों पर घूमा एंड फाइनली arrived, यानी कि पहुँचा किधर इंडिया स्टेड इन in इंडिया was देन ऑर्डर by द सुल्तान मोहम्मद बिन Tughlaq टू गो टू चाइना तो अभी वो इंडिया में स्टे कर ही रहा था कि उसको उस वक्त के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने ऑर्डर किया कि वो चाइना जाए हिज़ जर्नी मेट विज़ासनबॉय लेकिन जब वो ट्रैवल कर रहा था तो उसको बहुत नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि उसका जो कॉन्वॉय था जिसको वो लीड कर रहा था उसके जो लोग थे जिनके साथ वो ट्रैवल कर रहा था और उसका जितना भी सामान था उस सब पर डाकुओं ने हमला कर दिया इन अ पोर्ट इन सदर्न इंडिया द लोकल डिस्ट्रॉयड हिज शिप और फिर क्या हुआ कि एक बंदरगाह पे इन अ पोर्ट इन सदर्न इंडिया द लोकल डिस्ट्रॉयड हिज शिप सदर्न इंडिया के जो रहने वाले लोग थे लोकल्स वहाँ के रहने वाले लोगों ने उसकी शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया तो पहले क्या हुआ कि उसका जो कॉन्वॉय था जिन लोगों को अपने साथ लेकर ट्रेवल कर रहा था सारा सामान उस पर बैंडिट्स ने हमला कर दिया डाकुओं ने हमला कर दिया और उसके बाद सदरन इंडिया के जो लोकल्स थे उन्होंने एक बंदरगाह पर उसकी शिप को भी डिस्ट्रॉय कर दिया अफ्रेड सुल्तान, इंडिया और गो टू चाइना एंड टू मालदीव अब इबन बतूता ने खुद से सोचा कि क्योंकि मैं जा नहीं सका चाइना और मेरे साथ ये सब हादसे पेश आ गए हैं तो उसको लगा कि सुल्तान को तो बहुत गुस्सा आएगा कि मैं चाइना नहीं गया तो इस बात से डर कर ना उसने इंडिया में स्टे किया ना वो चाइना गया बल्कि वो कहाँ पर चला गया वो चला गया मालदीव्स। Besides his travels, he became famous for his knowledge of judiciary. यानी कि as a traveler तो वो बहुत famous था ही. Besides his travels, वो और किस चीज के लिए बहुत famous हो गया? ही बिकेम फेमस फॉर इज नॉलेज ऑफ़ जुडिशरी जुडिशरी का नॉलेज होता है लॉज का नॉलेज होना कानून का नॉलेज होना इसको हम कहते हैं जुडिशरी के बारे में पता होना तो क्योंकि वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था जिस फैमिली में लोग जुडिशरी से बिलोंग करते थे जजेस थे लॉ पढ़ते थे कानून पढ़ते थे इसलिए वो सिर्फ अपने ट्रेवलर होने की वजह से फेमस नहीं था बल्कि वो इसलिए भी फेमस था क्योंकि वो जुडिशरी के बारे में जानता था कानून के बारे में जानता था ही ऑल्सो मैनेज टू गो टू चाइना बिफोर रिटर्निंग टू मोराको और वो मुसलसल ट्रेवल तो करता रहा और उसने फाइनली चाइना को भी ट्रेवल कर ही लिया जहाँ पे उसको सुल्तान भेजना चाहता था उस वक्त तो वो नहीं जा सका बट लेटर ऑन इन लाइफ उसने चाइना को भी विजिट किया मोराको वापस जाने से पहले याद रहे हमने पढ़ा था कि वो मोरक्कन स्कॉलर था इसलिए मोरक्को जाने से पहले उसने डिसाइड किया कि वो एक दफ़ा चाइना को जरूर विजिट करेगा ही रोट अ बुक अबाउट हिज ट्रेवल्स रीला द ट्रेवल्स और उसने अपनी इस सारी ट्रेवलिंग के बारे में एक किताब भी लिखी और उस किताब का नाम था द रीला जिसका मतलब था द ट्रेवल्स इस किताब में उसने सब कुछ लिखा कि वो कहाँ कहाँ गया उसने क्या क्या ऑब्जर्व किया बच्चों अब आपकी बुक में जो क्वेश्चन वाला सेक्शन है उसमें क्वेश्चन नंबर सेवन में उसने आपसे ये पूछा हुआ है कि इबन बतूता ने जो किताब लिखी थी उसका क्या नाम था तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को आंसर कर दिया है कि उसने जो ट्रेवल्स के बारे में एक बुक लिखी थी उसका नाम था रीला और उसका मतलब था द ट्रेवल्स तो आज के लेक्चर में इतना ही बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपना और अपना फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़